सभी लोग मनवाणी को पवित्र करेंगे और उसके बाद में सीधी कथा से जुड़ूंगा। श्याम नाम की सभी लोग आएंगे बहुत से। हाँ दिलो में तो श्याम नाम की परिजर ज्योति जला के दे आएगा 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 मेरा सामुरा जरा दिल से बुला के दे। ऐसे सामरा नहीं आने वाला भैया लोगों। देखो ताली बजाने के बहुत फायदा होते हैं। पहली बात तो जब हाथ ऊपर नीचे होते हैं खून का संतुलन बना रहता है। अब बाद में ताली जोर जोर बजाओ तो मच्छर अच्छर बहुत घूमे आए सब मार डालो सामने आए एक उन्हें लगेंगे। इससे सभी लोग आएंगे सबको अपने अपने पड़ोसी का समय हाथ ऊपर उठा लो। अब भैया जो देख लियो पड़ोसी में चाहते बहन आए थे भैया 50 मुद्राओं का दान कर गए। दिलों में तू श्याम नाम की परिजर ज्योति जला के दे आएगा 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 मेरा सांवरा दोनों हाथ पर आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे और सामने सरकार की श्याम नाम की दिल में तो श्याम नाम की जर ज्योति जला के दे आएगा 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 मेरा सांवरा दिल से जला के दे आएगा मेरा किस्मत के ताल खोलना बाबा के हाथ है किस्मत के ताल खोलना बाबा के हाथ है एक तेरे कष्ट में इतना पल भर की बात है एक तेरे कष्ट में इतना पल भर की बात है वो खुशियों से झोली भर देगा खुशियों से झोली भर देगा तू झोली फैला के दे आएगा 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 मेरा सांवरा दिल से बुला के दे मोतियों में तो श्याम नाम की आमन में तो श्याम नाम की जर ज्योति जला के दे आएगा 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 मेरा सांवरा दिल से बुला के दे आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे सरकार की एक बार जो सोना पड़ेगा राधे राधे और जो से राधे राधे। प्रभक्तों सुखदेव जी कहने के राजा आज हम तुम्हें भगवान श्याम सुंदर के जन्म की कथा श्रवण कराएंगे तो परिचित जी कहने के गुरु जी अभी तक आपने जो भी कथाएं सुनाई संक्षेप में सुनाई लेकिन भगवान श्याम सुंदर ने ही मेरे प्राणों की रक्षा की थी तो अब हमारे प्रभु की कथा विस्तार से सुनाना। हाँ राजन तो सुन। हमारी सुभारत भूमि में एक मथुरा नामक स्थान है सभी लोग जानते होंगे मथुरा के लिए। तो मथुरा के राजा जो थे इनका नाम था उग्रसेन आदि मथुरा मंडल के राजा थे उग्रसेन और आदि मथुरा मंडल के राजा सूर्यसेन। तो राजा उग्रसेन के राज्य में प्रजा सर्वत्र सुखी है कहीं पर भी प्रजा को कोई दुख नहीं है मारा। और उग्रसेन की एक पत्नी है जिनका नाम है पवन रेखा बड़ी पतिव्रता नारी है पवन रेखा हमेशा पति के चरणों में प्रेम रखने वाली पवन रेखा है।
दुख सिर्फ राजा रानी को इतना है कि आधी उम्र बीत चुकी है और अभी तक कोई संतान नहीं हुई। और घर में है रनिया नाई को ललिना, हाँ घर में है रनिया नाई को ललिना, नाही नी को लागे राजा जी को घर ललिना, नाही नी को लागे राजा जी को। घर में है रनिया नाई को ललिना, हाँ घर में है रनिया नाई को ललिना, नाही 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 नी को लागे राजा जी को घर।